विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अब तक के विकास में कोई योगदान नहीं है। कुल्लू दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश कांग्रेस ने सरकार अब तक के कार्यकाल में जन विरोधी निर्णय लिए हैं, जिनमें 1000 सरकारी संस्थानों को बंद करने का निर्णय भी शामिल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चारों तरफ निराशा का माहौल है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नेता होर्डिंग्स में फोटो लगवाकर केंद्र की योजनाओं का मुफ्त में श्रेय ले रहे हैं। कोई भी सरकार बनती है वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर के काम करती है। यहाँ ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी जो बंद करने में लगी है। हॉस्पिटल चले हुए बंद कर दिए, तहसीलें चली हुई बंद कर दी, SDM के दफ्तर चले हुए बंद कर दिए, BDO के दफ्तर चले हुए बंद कर दिए। इसलिए बहुत बातें आज की तारीख में कहने को हैं और चारों तरफ निराशा और नाराजगी का एक माहौल है। सड़कें जहां छोड़ी थी वहीं वहीं खड़ी हैं और पुल का निर्माण, भवनों का निर्माण जहां छोड़ा था वहीं का वहीं, और न कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट। क्या हुआ उन गारंटियों का, लोग पूछ रहे हैं। आज कहा तो था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, 5000 से ज़्यादा हमारे नौजवान जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको घर भेज दिया, उनको हटा दिया। और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आज की इस दौर में आप चीज़ों को देख रहे हैं। हमने तो योजनाएं जो हमने की पूरी की, जिन योजनाओं पर हमने काम किया, हम तो उसके प्रचार किया। अभी आपने तो कुछ किया ही नहीं है, उसके बावजूद भी प्रचार के आपके होर्डिंग एक कोने से दूसरे कोने में।